हरे कृष्णा राधे राधे। तो आइए श्रीमद् भागवत गीता के चतुर्थ अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग के आगे के श्लोक पर चर्चा करें। यज्ञ शिष्टा मृत भुजो यान्ति ब्रह्मा सनातनम नायम लोकोस त्यग यज्ञस्य कुतो न्याह कुरु सतम। यज्ञ की महिमा के बारे में श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। यज्ञ को यहाँ कर्म ही समझना चाहिए, कर्म का जो भी फल हो उसे भगवान का आशीर्वाद ही समझना चाहिए। एवं बहुविधा यज्ञ वित्तता ब्राह्मणो मुखे कर्म जान विधितान स्वर्गान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं, उन सबको तू मन इंद्रियां और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान, इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। श्रेयान द्रव्यमयाज्ञाज ज्ञान यज्ञा परंतपा सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। यहाँ श्री कृष्ण द्रव्य में जो हम यज्ञ करते हैं उसमें आहुति देते हैं घी और सामग्री की, उस यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान जो यज्ञ होता है उसको श्रेष्ठ बता रहे हैं, जिसमें हम कर्म करते हैं और उसमें बंधते नहीं, वही श्रेष्ठ है। तव दिधि प्राणी पाते न परिप्रशेन से व्या उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वदर्शना। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उसको भली भांति दंडवत प्रणाम करके उनकी सेवा करने से कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। यज्ञ ज्ञातवान पुनर्मोहमेवम यास्यसि पांडवा येन भूतान्यशेषेण दक्षयस्यात्मन्य यथो मयि। जिसको जानकर फिर तो इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होगा, तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा में देखेगा। पापि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतं सर्वं ज्ञानपलेनैव वर्जिनं संतरिष्यसि। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। इसका मतलब यहाँ ये मत समझिएगा कि आप पाप करके ज्ञान हासिल कर लेंगे। यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं, ज्ञान कोई भी प्राप्त कर सकता है। यथे धांसी समिद्रो गिर भस्म सात कुरु तेर्जुना ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्म सात कुरु ते तथा। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। जब आप ज्ञानी बन जाते हैं तो आपके कर्म भी खत्म हो जाते हैं। कर्म खत्म होने का मतलब यहाँ कर्मों में के बंधन से छूटना है। ना ही ज्ञानेन सदृश्यम पवित्रमिह विद्धते तत्व स्वयं योग संसिद्धा काले नात्मानि विन्दति। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग द्वारा शुद्धांकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है।
निष्काम कर्म करने के लिए अगर आप तैयार हैं तो यह ज्ञान हासिल आप कर सकते हैं। श्रद्धा वालभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्धवा पराम शांतिम आचिरेदाधिगच्छति। जिसने इंद्रियों को जीत लिया है वो श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। अज्ञश्च शद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायम लोकोस्ति नापरो नासुकं संशयात्मना। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशयुक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशयुक्त मनुष्य के लिए ना तो यह लोक है ना परलोक और ना सुख ही है। आप सोचे बिगर कुछ करे आप ज्ञान पालेंगे तो यह असंभव है। योग संयस्त कर्माणम ज्ञान संजन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबंधनन्ति धनंजय। हे धनंजय, जिसने कर्मयोग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। कर्मयोगी वह है जो कर्म करके भगवान को अर्पण कर दे। तस्माद् ज्ञान संभूतम हियत स्थम ज्ञानसिनात्मना चित्वैनम संशयम योगमा अतिष्ठो तिष्ठ भारता। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा काट के कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। तो यहाँ हमारा चतुर्थ अध्याय समाप्त होता है। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे।